नमस्कार दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। आज हमारे पास जो एलईडी आया है, इसका कलर का प्रॉब्लम है और देख सकते हैं ये जो हमारा नो सिग्नल लिखा हुआ है ये येलो कलर में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल कलर देख लेते हैं एक बार, इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल कलर है जो हमारा एलईडी में रहता है, वो हमारा नीला कलर में रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिलता रहेगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए दोस्तों। तो सबसे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कहाँ से हमारा आता है, तो सबसे पहले हमारा ये जो प्रॉब्लम आता है, मेन प्रॉब्लम है हमारा जो एलबीडीएस सिग्नल आता है, एलबीडीएस से हमारा जो सप्लाई आता है उसी सप्लाई में कहीं भी मिस्टेक हो गया तो हमारा ये जो कलर का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एलबीडीएस सिग्नल दिया हुआ है, इसी सिग्नल को हमको सबसे पहले चेक करना होगा। तो एक मीटर ले लेंगे और इस यहाँ पर के जितने भी सारे सिग्नल है सबको चेक करेंगे बारीक बारीक से और देखेंगे हमारा जो सप्लाई ओके है क्या नहीं है। तो हम देख सकते हैं हमने एक मीटर ले लिया है और मीटर से हम इसकी जितने भी सारे वोल्टेज है सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो चुका है, यहाँ पर लाइट भी देख सकते हैं ओके है हमारा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम VCC वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो हमारा VCC वोल्टेज है देख सकते हैं हमारा VCC वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है, ओके आ रहा है 5 VCC वोल्टेज। अभी हम सिग्नल के जितने भी सारे वोल्टेज है वो सब चेक करेंगे। यहाँ पर के जितने भी सारे वोल्टेज है दोस्तों एकदम बारीकी से आप लोग चेक करिएगा, नहीं तो जो आपका कलर है कोई भी कलर आपको दिक्कत दे सकता है। या मान के चलिए आपका रेड आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3-4 कलर होता है तो उसमें से कोई भी एक कलर आपको नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर के जितने भी सारे वोल्टेज है आप चेक कर लीजिए। देख सकते हैं मैं यहाँ पर का सारे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो फिलहाल हमारा जो वोल्टेज है लगभग सब सही ही लग रहा है मेरे को। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा कहाँ पर है। इधर का कलर, इधर का जितना भी सारे वोल्टेज है सब कुछ चेक कर लेने के बाद आपको चेक करना होगा पीछे इस PCB के अंदर और एक जगह पे इसका वोल्टेज जाता है जो हमारा DC to DC IC के अंदर जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो DC to DC IC है इसके अंदर जो हमारा वोल्टेज जाता है वही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, शायद 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस 6 रेजिस्टेंस को वोल्टेज हम एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए इसके जो वोल्टेज है चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक लाइन में देख सकते हैं दोस्तों 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो हम इनपुट वोल्टेज सबसे पहले चेक कर लेंगे, इसका जो हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए हमारा जो जितना भी सारे वोल्टेज है हम चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका भी ऐसा फॉल्ट आ रहा है तो आप ज़रूर ऐसा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर का रेजिस्टेंस अगर ख़राब हुआ तो दोस्तों आप इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की 1 ओम्स के आसपास, 1 से 2 ओम्स के आसपास ये जो रेजिस्टेंस रहता है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम से 2 ओम्स के आसपास रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज शायद सेम ही आ रहा है, सारे वोल्टेज हमारा ओके दिखा रहा है लगभग। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये हमारा कहाँ से आ रहा है वही हम लोगों को देखना होगा इसी वीडियो के अंदर। देखिए हर वोल्टेज हमारा ओके दिखा रहा है, रेजिस्टेंस हमारा, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ओके है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, बात यहाँ आ गया है अभी, हमारा प्रॉब्लम अभी कहाँ पर है। तो हमें जो ये एलईडी है इसके अंदर जो बल्ब लगा रहता है शायद उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलईडी को खोल देंगे और उसके बाद इसका बल्ब चेक करेंगे। तो चलिए इसका एलईडी को खोलना शुरू करते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं इसका वीडियो को थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है और लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही स्पीड में लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, हमने डिस्प्ले को अलग कर दिया हूँ और इसका बस लाइट को लगा कर रखा हूँ। अभी इसका लाइट का कलर देखिए, बहुत ही ज़्यादा रेड दिखा रहा है। देखिए इसका कलर देख सकते हैं, कितना ज़्यादा रेड दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लाइट है उसको हम चेंज कर लेंगे, या लाइट के ऊपर जो हमारा प्लेट लगा हुआ है शायद वो हमारा ज़्यादा रेड हो, इसलिए उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा इसमें, इस एलईडी में हमारा जो फॉल्ट है वो हमारा जो प्लेट है इसका ऊपर का वाइट वाला, वो प्लेट हमारा येलो वाला था। तो हम उसको चेंज करके देख सकते हैं, ये जो प्लेट है हमारा येलो कलर का है, तो इसको चेंज करके हम एक वाइट वाला प्लेट लगा देंगे और इसके ऊपर डिस्प्ले लगाएंगे। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इस प्लेट को। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा वाला एक प्लेट ला के लगा दिया और इसके ऊपर डिस्प्ले भी आराम से, बहुत ही डिस्प्ले आप लगा रहे हैं दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया से डिस्प्ले लगाना, क्योंकि डिस्प्ले पे हल्का सा भी चोट क्रैक आ गया तो आपका प्रॉब्लम दिखाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो डिस्प्ले की तरफ से बहुत ही ध्यान से रखिएगा। हमने इसके अंदर एक प्लेट लगा दिया है, अलग से नया वाला एक प्लेट लगा दिया है और इसका जो लाइट है देख सकते हैं, हमारा जो लाइट है ये जल चुका है और ये व्हाइट कलर में जला हुआ है। पहले हमारा जो कलर था ये रेड कलर दिखा रहा था और इसका डिस्प्ले देखिए एकदम चकाचक ओके हो गया है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था असल में, हमारा जो डिस्प्ले के अंदर जो वाइट वाला प्लेट रहता है उस प्लेट का प्रॉब्लम था, तो हमने उस प्लेट को चेंज कर दिए और दूसरा नया वाला एक प्लेट ला के लगा दिए। ऐसा ही आपका टीवी में फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर का लाइट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए हम इसको अंदर वीडियो चला के भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो एकदम चकाचक ओके एकदम बढ़िया से चल रहा है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा बल्ब दिख रहा है दोस्तों, वो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक आप लोगों को बात करना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।